तो ये थी हमारी प्यारी सी कुटिया जहाँ पर हम रात रुके हुए थे, रात हमने विश्राम किया था। तो चार दामों में से तीन दाम अपने हो चुके हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमदोत्री आज हो जाएगा, मतलब आज हमारे चारों धाम हो जाएंगे। तो प्यार भरी सत श्री अकाल, जय बोले कि कैसे हो आप, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। नींद अभी भी है ना आँखों में है, क्योंकि 6:50 ही हुए हैं। आज हम पहली बार जल्दी उठ के, नहीं दूसरी बार जल्दी उठ के ना दामों के दर्शन करने जा रहे हैं। पहली बार उठा था मैं जब केदारनाथ बाबा जी के कपाट खुले थे, उस टाइम हम जल्दी उठ गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, यमदोत्री माता का मंदिर है, ऊपर 6 किलोमीटर का ट्रैक है, उधर से लोग जाते हैं। तो उधर से वो पर्वतों के बीच हमने जाना है, वो पर्वत है यार देखो कितने, मतलब बर्फीले पर्वत है, कितने खूबसूरत सुंदर लग रहे हैं। तो सुबह सुबह कुछ इस तरह का नज़ारा है और हमने जाना है उधर। तो करते हैं अपनी ट्रैकिंग शुरू, लेके बोले का ना, जय बोले कि मिलते हैं आपको रास्ते में, बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं देखने वाली। तो चलते हैं उनके साथ साथ, हम भी अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं वॉक करते करते, और 5 किलोमीटर का इधर से ट्रैक है, और कुछ लोग घोड़ों में जा रहे हैं, कुछ लोग पालकी में जा रहे हैं आगे देखे मैंने जाते जाते, और कुछ हमारे जैसे पैदल वॉक करते जा रहे हैं। तो देखते हैं हमें कितना समय लगता है, 2 से 3 घंटे का सफ़र अपना रहेगा, देखते हैं कितनी जल्दी हम पहुँच पाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास बैग भी नहीं है। और ऊपर जो बर्फीली चोटियों का नज़ारा दिख रहा है यार, अद्भुत ही है। अब जब उस पर ना सन आ जाएगा तो और भी अद्भुत लगेंगी, बहुत सुंदर लगेंगी। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको सफ़र आगे आगे। तो लो जी, सुबह की अपनी शुरुआत हो चुकी है, और सुबह की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म चाय के साथ, अपनी चाय बन के रेडी हो चुकी मेरी है ना भैया। हाँ मेरी भैया है, एक आपकी है एक आपकी है, दो है आपकी भैया, बिस्कुट का पूरा ले लेते हैं, दो चाय दे दो यार, दो चाय है आपकी, हाँ ये लो। शुक्र है गलती से उठाई नहीं, नहीं तो सुबह सुबह हो जाता कांड। तो भैया जी ने अपनी चाय तो बना दिया, चाय पीते हैं और निकलते हैं, करते हैं अपनी ट्रैकिंग शुरू यमुना माता के मंदिर की ओर। और इधर से ना 6.5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है, और कम से कम 3 घंटे लगेंगे। आज तो शुक्र है भगवान का कि अपने पास बैग भी नहीं है, जहाँ पर हम रात रुके थे ना बैग उधर ही रख दिए, तो बाबा जी बोले बैग इधर ही रख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मजे मजे से जाओ। तो हम चलते हैं, देखते हैं कितने समय में अपना ट्रैक संपूर्ण कर पाते हैं, पार कर पाते हैं। और बहुत यात्री आ गए हैं यार अभी, पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम दोनों ही अकेले अकेले घूम रहे हैं, बट अभी यात्री आने लग गए हैं पीछे से। जय माता दी। तो देख रहे हो ना, कुछ लोग पालकी में आ रहे हैं, कुछ लोग घोड़ों पे भी आते हैं, पीछे घोड़ों में भी आते हैं। वाह वाह, ठीक है मिलते हैं बाद में। तो इधर में ना बोर्ड लिखा हुआ है 3.5 किलोमीटर मंदिर का मार्ग रह गया है, बट हमको पता है 3.5 किलोमीटर नहीं है ये, उससे 1-2 किलोमीटर ऊपर ही होगा, क्योंकि अभी हम है ना वो सिटी से आए हैं, और वो सिटी से आते हैं तो मैं भी 1 किलोमीटर ही होगा, इन्होंने तो 3 किलोमीटर ख़त्म भी कर दिया इधर। सही बात है ना, हमने क्या, हमें सही लिखना चाहिए पर ये 5 किलोमीटर अंकल पक्का। अच्छा हाँ, नहीं 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 नहीं, आप हिम्मत मत हराओ किसी की, नहीं नहीं हिम्मत नहीं हरा रहे, हम बता रहे हैं ज्यादा नहीं है ये। कहाँ से आए आप? नहीं नहीं, ये जा हम मध्य प्रदेश से आए। ओ वाह वाह, पहली बार, पहला धाम है आपका? पहला धाम है, पहले बहुत आए हम। अरे वाह वाह, हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए हो आप जी, सही है सही है। अच्छा ग्रुप में आए हो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो चलते हैं हम भी इनके साथ निकल जाते हैं यार, नहीं तो हम दोनों अकेले रह जाते हैं ना, तो ऐसा करने लग जाता है, एक थक जाता है दूसरा रुक जाता है, दूसरा थक जाता है एक रुक जाता है। तो इन माताओं को देखकर हम भी निकल जाएंगे इनके साथ। जय माता दी, जय माँ गंगोत्री, जय माता दी, जय माता दी। दिल से पुकारो मंदिर से दौड़ी चली आवेगी, कोई दिल से। सोचा था कि कोई ब्रेक नहीं लेंगे, बट अभी पहली ब्रेक ली है 5 मिनट के लिए, इधर में इधर से आधा रास्ता हो गया, आधा रह गया, तो देखते हैं कितना समय लगेगा आधे रास्ते के लिए। आधा रह गया है ना जी, ओके। भीड़ कितनी है ऊपर?
कुछ नहीं है। अच्छा सही है सही है, पहुंच गए भैया। ठीक है ठीक है, चलो 5-10 मिनट रिलैक्स करते हैं। इधर पहली ब्रेक लिया मैं, क्या सोचा बता दूं आपको। हमारा जी मनी बैकपैकर। अच्छा जी जी जी, आप ऊपर जा रहे हैं नीचे? नीचे से ऊपर जा रहे हैं घोड़े। अच्छा ऊपर जा रहे हो अभी, सही है सही है। आप कैसे पैदल जा रहे हो? नहीं घोड़े पे जा रहे हो। घोड़े पे जा रहे हो, वाह वाह, कैसा नजारा है घोड़े पे, हमने कभी देखा ही नहीं। और फीलिंग आती है जो फिल्मों में करते होते हैं? नहीं नहीं, पैदल से ज्यादा परेशानी घोड़े पे। अच्छा डर लगता है ना भैया? हाँ घोड़े पे डर लगता है कि पैर स्लिप हो जाए, है ना, इसी वजह से हम घोड़ा नहीं लेते यार, डर बहुत लगता है। पैदल 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 जाएंगे मजे से। और घोड़े का आपको किराया बताऊं, इधर में 2,000 से 2,500 रुपये लगता है अप डाउन का, है ना जी, इतना ही है। और जो पालकी में लेके जाते हैं वो तो उसका भी इतना ही है, कुछ समथिंग यही। सर जी आगे, सर जी। और ए सर जी प्रणाम। ओ प्रणाम यार, लेकिन तेरे को आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा। ओहो मैं वीडियो बना रहा सर जी, दिखा नहीं इसीलिए। मैं दिनेश सक्सेना, उदयपुर राजस्थान। अरे वाह वाह वाह, सही है सर, अच्छा लगा। मैं तुम लोगों को कम से कम 2 साल से देख रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह, सही है। मतलब आप अंकुश के ओल्ड सब्सक्राइबर हो? बहुत पुराना सब्सक्राइबर दोनों का। अच्छा। और एक वो तीसरा वो अपना वो बिहारी बाबू, तीनों का मैं सब्सक्राइबर। अरे वाह, अभी सर हो गया आपकी चार धाम हो गया आपके? नहीं आज चालू हुआ है यार, फर्स्ट है। हाँ अभी तो दिल्ली सही है, अभी बहुत दिल्ली दूर है। जय भैरव बाबा की जय। तो दोस्तों अभी सफर अपना धीरे धीरे से नजदीक आता जा रहा है, भैरव बाबा का मंदिर आया है। ये 1 किलोमीटर का सफर रह गया इधर से, तो पास में ही है वो, देख सकते हो आप कितने ज्यादा यात्री जा रहे हैं ना। पास में कहाँ है भाई, वो ऊपर जाना पड़ेगा। ओहो अभी भी बहुत पड़ा है, कम से कम 2-3 किलोमीटर है। मेरे को तो ऐसा था मैं कि 1 किलोमीटर रह गया, और नहीं यार वो टॉप पे चोटी पे जाना है। तो धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। वो अंकल जी देखा ना आपने, मिले थे राजस्थान से थे, वो वीडियो देखते थे हमारी, तो पहचान लिया उन्होंने, तो बस उनके साथ बातें की, फिर हम निकल लिए। चलते चलते इधर तक पहुँच गए, चलते हैं आगे की और धीरे धीरे। वो पहाड़ों के कुत्ते देखो कैसे होते हैं यार, भालू की तरह। चाचा राम राम, कितना दूर रह गया? अरे थोड़ा रह गया, अब तो तुम जवान यार हमारे से भी गए। अरे नहीं नहीं, थक गए सांस फूलने लगी। फोटो ले रहे हमारी? हाँ ले, ले ले बेटा। हाँ हाँ हाँ, बोलो फोटो ले लो। पास में रह गया है? कितना? 1 किलोमीटर? 2? अरे अभी 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर? सच बताइए नाम पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फोटो ले लो हमारी। जी जी ले ली। बाबू वैसे वैसे ही करता आ रहा। अरे चल रही है, चल रही है। हाँ ठीक है, कहाँ जय बोले की घर कहाँ? मेरा पटियाला। अरे हम हिमाचल के यार। अरे वाह वाह, सही है सही है, शाबाश, काफी हिम्मत। ठीक है जी ठीक है, ठीक है। चलो यार चलते हैं, अंकल जी ने भी अभी तो बोल दिया कि जवान हो तुम, तुमसे चला नहीं जाता। और इधर में भैया जी बन रही है गर्मा गर्म जलेबियाँ, मुँह में पानी आने लग गया यार देख देख के, इतनी स्वादिष्ट बना रहे हैं भैया, खुशबू भी आ रही है। और आज पता नहीं क्या हो गया यार, चलते चलते है ना हालत ख़राब होने लगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। 3 धाम कर लिए, उतना पता नहीं लगा, बट इसमें थोड़ी सी कठिन चढ़ाई है यार, तो पता लग रहा है, रुक रुक के जाना पड़ा है। अभी लिए हमने दूसरी पता नहीं तीसरी ब्रेक ली है, तो थोड़ा सा इधर रुकते हैं। और अभी मंजिल अपनी पास में ही रह गई है। भैया कितने दूर रह गया मंदिर? आधा किलोमीटर। ओहो आधा किलोमीटर हो रहा है यार। मैंने आपको बोला था ना कि कभी बोर्ड के ऊपर विश्वास मत करना, बोर्ड पे जो लिखा होता है ना हमेशा गलत होता है। बोर्ड पे लिख देता 3 किलोमीटर, बट होता 5 किलोमीटर ही है, ऐसा ही होता है। तो चलते हैं धीरे धीरे। तो ये यमुना मैया जी बह रहे हैं, और सामने है यमुना मैया का मंदिर। तो जय यमुना मैया, मैया के दरबार पर हम पहुंच चुके हैं यार, और सामने मंदिर है। अभी चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, भीड़ कम ही लग रही है यार, देखने में ज़्यादा भीड़ नहीं है। बट हमने इधर सूरज कुंड ढूंढना है जहाँ पर गर्मा गर्म पानी निकलता है। और यार ये बात है ना, सबसे ख़राब लोगों की मैं हमेशा बोलता हूँ कि कपड़े ना बीच फेंक देते हैं नदी के यार, बट कोई बात नहीं है। एनीवेज चलते हैं धीरे धीरे, लगते हैं हम भी लाइन में यार, मिलते हैं करते हैं दर्शन।
तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यमुना मैया के मंदिर का। और इसी के साथ अपने चारों धाम समाप्त हो गए हैं, मतलब हमने चारों धाम कर दिए यार, भोले बाबा की कृपा से सुख शांति से अपने चारों धाम हो गए हैं और खुले ढुले दर्शन हो गए यार। भीड़ भी नहीं थी तो 2 मिनट लगे अंदर जाने के लिए, और 2 मिनट हम अंदर बैठे और मैया को प्रणाम किया, नतमस्तक किया और दिल खुश हो गया यार। जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना सारी बाहर निकल जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो सामने सूर्या कुंड है, गर्मा गर्म उधर पानी निकलता है और सामने शिला जी है। भैया ये क्या चीज़ है सामने? जो ये यमुना जी की दिव्य शिला है। अच्छा, यहाँ से माँ यमुना प्रकट हुई है। अच्छा, इधर से हुई है यमुना मैया सूर्यपुत्री। हाँ हाँ, और यमराज और शनि की बहन है। अच्छा, यमुनाया पूर्व भागेशु सूर्य कुंडम मृतस्मृतम तत्र स्नान मात्रेणम सूर्य लोके भवेनर। ओके जी, ओके। केवल एक बार यहाँ पर दर्शन करे और यहाँ के जल का स्नान करे तो सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। अच्छा अच्छा, यम यातना और शनि ग्रह से शांति मिलती है। ओके, क्योंकि यमराज और शनि महाराज यमुना के भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप सब भाग्यशाली हैं जो चार धाम के दर्शन कर रहे हैं। जी जी जी, और ये यमुनोत्री चार धाम का प्रथम पड़ाव है, ठीक है, इसलिए यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है जी और बद्रीनाथ से समाप्त होती है। अच्छा जी, क्योंकि यमुना मैया भक्ति स्वरूपा है जी जी। अच्छा, और गंगा मैया ज्ञान और केदारनाथ वैराग्य और बद्रीनाथ मोक्ष, इस पहाड़ की साथ साथ परिक्रमा है। अच्छा, कालिंदी से होकर के सुमेरु पर्वत में समाप्त होती है। अच्छा अच्छा, तो ये उत्तराखंड का प्रथम धाम है। प्रथम धाम है ये। अच्छा, बट हमने उल्टे कर दिए, कोई बात नहीं, भगवान का नाम इधर से कान पकड़ो इधर से पकड़ो, लेकिन भगवान का ही नाम है, भूल चुप में हो जाता है। जी, जी, जी। लेकिन मैं समस्त श्रद्धालुओं और भारतवर्ष के जितने भी जो हैं सनातन प्रेमी उनसे कहूँगा कि जब भी यात्रा का प्रोग्राम बने तो यमुनोत्री से प्रारंभ होती है, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ, ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है। जी, जी। क्योंकि माँ यमुना भक्ति स्वरूपा है। अच्छा, जब तक भक्ति न हो जाए तब तक मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। सही बात, भक्ति के बाद ज्ञान, फिर वैराग्य और फिर मोक्ष। पांडवों ने भी ऐसे ही की थी। पांडवों ने ऐसे की थी। हाँ। और पांडवों ने क्या, राम भगवान भी स्वयं यहाँ पर आए। अच्छा, राम भगवान ने भी शिला की पूजा अर्चना की। ओके ओके ओके, ये आज की शिला नहीं है। जी जी जी, ये तब की शिला है। ओके ओके, धन्यवाद पंडित जी बताने के लिए। तो दोस्तों खुशी खुशी अपने हो गए हैं, तो इधर 5-10 मिनट बैठते हैं मंदिर के पास, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं और फिर निकलते हैं आगे की ओर। तो सुबह के बज चुके हैं 11 और सामने है यमुना मैया का मंदिर, तो हम चलते हैं, निकलते हैं इधर से। बड़ी खुशी हो रही है यार, ये चारों धाम हमने कंप्लीट कर लिए हैं यार, बड़ी खुशी खुशी से हो गए, तो एक अलग ही सुकून है दिल में। चलते हैं अभी, देखते हैं कितने टाइम में नीचे पहुंचते हैं। आने में तो हमें 3 घंटे लग गए, है ना? दो ढाई घंटे लग गए यार, ढाई लगा लो क्योंकि हमने ब्रेक भी ले ली थी। चलते हैं अभी। तो अभी ना हमने बैग उठा लिए हैं और जैसा आपको पता ही है, दोबारा बोल रहा हूँ यार कि अपनी चार धाम की यात्रा संपूर्ण हो गई है। बोलना बनता है यार क्योंकि इतने टाइम से हम लगे हुए थे, कितने, कम से कम 15 दिन तो हो ही गए यार, है ना, चार धाम की यात्रा पे निकले हुए। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से धन्य धन्य हो गए। तो अभी पता नहीं कब मौका मिलेगा, अब करवा लिया भगवान ने, है ना, भगवान ही बुलाता है यार, भगवान ही बुलावा देता है। भगवान ने शायद कुछ ना अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए कि बेटा आप अभी कर लो, बाद में तुम्हारी ज़िंदगी में टाइम नहीं मिलेगा, तुम इतने व्यस्त हो जाओगे अपने काम कारों में। तो उस हिसाब से ही लगता है, हमको अच्छी फीलिंग आ रही है, तो चेहरे पे भी मुस्कान है कि हमारे चारों धाम पूरे हो गए। अभी हम निकल रहे हैं श्रीनगर की तरफ, श्रीनगर जो उत्तराखंड में है उसकी तरफ, और रात उधर स्टे करेंगे। अगर आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, कल को पहुंचेंगे श्रीनगर। हेमकुंड साहिब की यात्रा 22 तारीख को खुलने वाली है। तो अभी चलते हैं नीचे, कोई बस वालों को गुजारिश करते हैं ले जाएं, क्योंकि कम किराया लगेगा। टैक्सी में जाएंगे 300 लगेंगे, मे बी इसमें 150 या 200 लगेंगे, तो देखते हैं क्या बनता है, जैसा भी होगा आपको बता देते हैं। फिलहाल यमुनोत्री मैया से अलविदा लेते हैं, बोलते हैं प्रणाम, जय यमुना मैया, निकलते हैं इधर से।
तो हमें इधर बैठे बैठे ना ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया है, क्योंकि पहले पुलिस वाले बता रहे थे कि नीचे ना रोड ब्लॉक हुआ है, आपका रोड खुलेगा जो 5-6 बजे तक खुलेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। बट अभी खबर आई है, एक घंटे के बाद अभी पता लगा है कि छोटियाँ गाड़ियाँ और जो ट्रैवल टेम्पो है ना वो जा सकते हैं। देखो अभी भी अनाउंसमेंट हो रही है, शुक्र है करके चुप। तो अभी देखते हैं यार कोई टैक्सी वाला लेके जाता है या नहीं लेके जाता, क्योंकि लोग ऑलरेडी बुक करके बैठ चुके हैं कि जब भी जाओगे आप हमें लेकर जरूर जाना। और आप देख सकते हो एक गाड़ी है, गाड़ी के मतलब अराउंड ना कम से कम 15-20 लोग खड़े हैं, तो जिनकी पर्सनल गाड़ी है सारे जाने लग रहे हैं यार। हम बैठे हैं इधर, हमारे बेचारों का क्या बनेगा देखते हैं, तो बताते हैं जो भी होगा अपडेट कर देंगे यार। ले जाए कोई बस, चाहे बस में ले जाए चाहे गाड़ी में ले जाए, बस वाला तो लेके नहीं जाएगा क्योंकि यात्रा वाली गाड़ी है, सरकारी गाड़ी कोई ऊपर आती नहीं है। तो ठीक है जैसा होगा देख लेंगे यार। तो बस तो अभी है ना नहीं मिली, तो हम क्या कहते हैं बस स्टैंड के चक्कर लगाने लग रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या कुछ बन रहा है। तो भैया जी इधर खाना खा रहे हैं, कैसे हो भैया, कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र। वाह वाह सही है सही है। तो इधर में माता जी बना रही हैं चावल, पानी में भिगो के रखे हुए हैं इन्होंने, स्क्वारे हो भी बाद में चावल खाएगा, बॉयल करेगा ना इसको, आग लगा के बॉयल करेगा ना, पानी में डालेगा। अच्छा अच्छा सही है। ये सभी अलग अलग क्यों बना रहे हो आप, अलग अलग है आपका एक है इनका एक है, ठीक है। कहाँ से आए आप? राजस्थान से। ठीक है ठीक है। रोड बनी है ये रोड? हाँ ये रोड टूटा था, हम भी वेट कर रहे हैं अंकल जी, हमें भी नहीं पता, हम चक्कर लगा रहे हैं देख रहे हैं आसपास में क्या चीज़ें हो रही हैं इधर। तो मेरे को लगता है बस वाला का नंबर भी है ना जल्दी आने वाला है जाने के लिए, बट हमें अभी तक कुछ नहीं मिला नीचे जाने के लिए यार। इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है आसपास में। हेलो, अरे वाह क्या हाल है ताऊ, ताऊ सेव कर रहा है इधर, क्या बात है। कहाँ से आए आप? राजस्थान से। पगड़ी की पहचान ही होती है दूर से। अरे वाह वाह, इधर में भजन कीर्तन हो रहा है भाई, वो भी देख लेते हैं हम। ओहो क्या बात है, राजस्थान वालों ने लंगर लगा रखा है इधर, जय बोले की। वाह वाह सही है, पूरियां छोले बन रहे हैं इधर, क्या बात है क्या बात है। ओ वाह ठीक है, एंजॉय करते हैं यार, आसपास की चीजें एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं फिर बस मिल जाए कोई निकल जाएंगे आगे, चल चले यार। हेलो हेलो कर, हेलो हेलो कर ले, हेलो 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 ओ तो ना शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी तक ना सारे लोग इंतजार कर रहे हैं यार, कोई बस कोई गाड़ी आई ही नहीं। तो पुलिस वाले बोल रहे थे कि 4:30 तक आपको नीचे भेज दिया जाएगा, क्योंकि गाड़ियां नीचे से मंगवाई हैं 5-6 गाड़ियां, कि जितने बंदे हैं उतने बंदे चले जाएंगे। बट बहुत टाइम से यार सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई। तो मेरे को लगता है यहीं पर है ना 6-7 बज ही जाएंगे, जिस हिसाब से अभी हालात दिखाई दे रहे हैं। सारे लोग हैं ना, कोई इधर चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब और कुछ तो करने को नहीं है। कोई बस वालों को भी नहीं नीचे जाने दे रहा यार, बसें रोक ली हैं, बट छोटी गाड़ियाँ सारी ही नीचे जा रही हैं। तो अभी हम वेट करते हैं कितना टाइम लगता है, देखते हैं यार। 4:30 हो गए हैं, चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं थोड़े समय के बाद। मैं सोचा अपडेट कर दूंगा आपको कि इतना आसान नहीं है यार, पहाड़ी एरिया में है ना बहुत दिक्कत हो जाती है, आपको इस चीज़ों का पता ही है, कभी रोड ब्लॉक हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो मिलते हैं थोड़े समय के बाद, देखते हैं क्या बनता है। कैसा है भाई, कहाँ से आए आप? अरे वाह वाह सही है, क्या नाम है? ओ वाह वाह, हो गए दर्शन ऊपर? कैसे गया, पैदल या घोड़े से? पैदल। वाह सही है सही है, चलो ठीक है मिलते हैं बाद में, ठीक है बाय बाय। देख रहे हो ना सामने पुलिस वालों से ना लोग बहस करने लग रहे हैं, पुलिस वालों की भी यार क्या गलती हम बोल सकते हैं ना इधर में, क्योंकि नीचे रोड ही टूटा हुआ है यार, तो ये सारे है ना उनको बोलने लग रहे हैं, पता नहीं अभी क्या सही है क्या गलत है। हम इधर बैठे हैं और सारे कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर, और कुछ लोग अपनी बसों में बैठ गए हैं कि यार अभी तो भेजेंगे ही नहीं ये। तो देख सकते हो आप बहुत सारी बहस हो रही थी, पहले अनाउंसमेंट कर रहे थे कि इधर मत आओ आप, बट लोग स्टिल वही है कि हमें जाने दो जाने दो, क्योंकि नीचे कल भी हमने देखा था रोड टूटा हुआ था। और
अभी तक बना नहीं है। अभी मैंने दो तीन लोकल लोगों से भी पूछा, वो बोले कि रोड बना रहे हैं तो इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, इतने हम इस हसीन वादियों का नज़ारा मानते हैं क्योंकि हमें तो टेंशन नहीं है यार बिल्कुल भी। इन लोगों को घर जाना है ना, इसीलिए इनको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमारे पास तो अपना कैंपिंग टेंट है, कहीं भी लगाएंगे मज़े से सो जाएंगे। बट इनकी बात भी सही है यार, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इन्होंने दूर से आए होंगे, कोई क्या पता महाराष्ट्र से कोई दिल्ली से है, तो इसीलिए इन्होंने भी घर जाना होगा। मजबूरी इनकी भी है, बातें इनकी भी सही हैं, बट कोई बात नहीं यार, हम चिल कर रहे हैं हम मज़ा ले रहे हैं अपना, देखते हैं क्या बनता है यार। 5:30 हो गए, 5:34 हो गए सही, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले की थी 5:00 पे, तो देखते हैं आधे घंटे बाद क्या माहौल होगा। इधर देख रहे हो ना, कुछ लोग इधर अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, कुछ लोग अंदर कर रहे हैं और कुछ लोग इधर पुलिस वालों के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं अपनी, यार पता नहीं क्या बनेगा वही बात भी जिसका डर था। तो शाम के बज चुके हैं 7:33, तो आपने देख ही लिया कितना समय हमने वेट किया, 1 बजे आए थे और इधर शाम 7:33 हो गए, मतलब 7-7.5 घंटे हमने इंतज़ार किया और कोई बस कोई गाड़ी किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। जितने भी बस वाले गाड़ियां वाले थे ना, जिनके पास सारा कुछ था अरेंजमेंट, वो निकल गए, सारा खाली हो गया इधर से। और इधर भी अभी 4-5 परिवार बैठे हैं, इन्होंने भी नीचे जाना है, हमने भी नीचे जाना है, बट सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। आप इस चीज़ को देख सकते हो, ध्यान देने वाली चीज़ है यार ये। अभी मैं क्या बोल सकता हूँ ना, जो मेरे को लगता है मैं अपने दिल के जज्बात आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, अगर आप एग्री हो उसके साथ तो आप कमेंट करके बोल सकते हो कि हाँ हम सही बोल रहे हैं। क्योंकि 7.5 घंटे वेट करना यार, आपको ही पता है बंदा नहीं करता कोई भी, तो कोई बात नहीं, हम कर भी क्या सकते हैं, और भी चारा नहीं है हमारे पास। तो आज की रात हमें लगता है अगर तो 1-2 घंटे में गाड़ी आ गई तो हम चले जाएंगे, अगर नहीं आई तो इधर कहीं टेंट लगा लेंगे, क्योंकि ये पुलिस वालों का ऑफिस है, तो सुबह निकल जाएंगे, सुबह तक कोई ना कोई गाड़ी आ ही जाएगी। तो ठीक है, तब तक के लिए जय भारत जय किसान। ये ब्लॉग उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ अपनी चार धाम की यात्रा भी समाप्त होती है। आज का ये लास्ट ब्लॉग है, कल से आपको हेमकुंड साहब की यात्रा देखने को मिलेगी। अगर आप पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना। तो तब तक के लिए जय भारत जय किसान, लव यू गाइस, बाय बाय।